Thank you so much. Thank you so much. दोस्तों आज मैं एक आप लोगों को बयान नहीं कर सकता कितना खुश हूं। 2011 में मैं और मेरे साथी डॉक्टर अनुज मेरे सामने बैठे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे पटना में आके बीज लगाया था 2011, और हमारा सहयोग जिन लोगों ने किया, मिस्टर ए के दास, मिस्टर लाल, चंदन कुमार और राकेश जी, कहाँ हैं वो लोग, कहाँ चारों लोग बाकी? यस, ये चार वो लोग हैं जिन्होंने 300 से मीटिंग शुरू करके आज 5000 पे पहुंचा दिया है भैया। में हमने शुरुआत की थी यहां पे मीटिंग की, नेट मीटिंग की। जब तक स्थानीय लीडर मजबूत नहीं है तब तक आप किसी स्टेशन को डेवलप करें बड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली के लोग यहां पे आते रहे, उन्होंने उनको बैक सपोर्ट दिया, गाइड किया, उनको तराशा, ट्रेनिंग्स दी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हीरा ही नहीं है अंदर से तो तराशेंगे किसे। और ये लोग वाकई आज मुझे बड़ा खुशी हो रहा था, मैं देख रहा था पूरे प्रोग्राम से शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सक्सेसफुली सारा प्रोग्राम रन कर रहे थे, बहुत अच्छे से सब कुछ ये मैनेज कर रहे थे, तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको। दोस्तों एस बी वत्स मेरा नाम है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ओरिजिनली हरियाणा से हूँ। मेरी शुरुआत इस कंपनी में 2002 दिसंबर में हुई। मेरे एक फ्रेंड जो मेरे कलीग भी थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सभी वो वर्किंग है, उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। मेरी वाइफ को कुछ हेल्थ चैलेंजेस रहते थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को हम लोग दिखा रहे थे, डॉक्टर बदलते थे, दवाइयां बदलती थी, प्रॉब्लम सेम रहती थी, उसकी डोसेस डिसाइड करते थे डॉक्टर, फार्मूले चेंज कर देते थे, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहती थी। एक नॉर्मल डॉक्टर से शुरू किया था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल बदलते चले गए, और लास्ट में हम लोग थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सागर उनका इलाज कर रहे थे। और उनसे जब मैं पूछता था वो एक ही बात कहते थे, वत्स साहब इसका कोई इलाज नहीं है, थ्रू आउट लाइफ इनको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेरे दो बच्चे, मैं दिल्ली में रहते थे, मेरी वाइफ साथ में थी, मिसिस को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, ड्यूटी पे जाना, इट्स नॉट अ जॉब। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, पुलिस के जाने की ड्यूटी होती है, आने का कोई टाइम नहीं होता। 1982 में मैं एजिस्टर इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, और जिस टाइम मैं इस कंपनी में आया था उस टाइम मैं इंस्पेक्टर था, और उसके बाद मैं एसीपी बना, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो आपके यहाँ पे डीएसपी रैंक होता है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में मैक्सिमम मेरी पोस्टिंग रही 17 साल, मैं 25 साल की सर्विस में से 17 साल में क्राइम ब्रांच में रहा, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एशिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच मानी जाती है। लेकिन इंसान परिवार के सामने मजबूर हो जाता है, अगर आपका बैक बोन अगर कमजोर है तो आप खड़े नहीं रह सकते, आपकी वाइफ बीमार है तो ये समझिए कि आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। दवाइयां बदलती चली गई, बहुत परेशान। मेरे फ्रेंड ने जब मुझे इसके बारे में बताया तो मैं बोला यार आप भी इन चीजों पर भरोसा करते हो, तो उन्होंने कहा मेरी सगी बहन जो जिन्होंने बताया ही इज फ्रॉम रांची, मिस्टर आरपी लाकड़ा, इज माई अप्लाइन आल्सो। उनकी बहन को अस्थमा था, वो ठीक हुई, तो उन्होंने मुझे शेयर किया। शुरू में बिल्कुल यकीन नहीं था, मैं ऐसे किसी सिस्टम में, ऐसे किसी कंपनी में, ऐसे किसी प्रोडक्ट में यकीन नहीं करता, आज भी नहीं करता, एफएलपी को छोड़ दू दो।
मैं क्राइम ब्रांच में इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस रजिस्टर तो करते हैं वो, लेकिन ज्वाइन नहीं करते। ऐसी कंपनियों के खिलाफ आए दिन केस रजिस्टर होते हैं, आए दिन सर्विलेंस होती है, आए दिन उनके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उनको ज्वाइन करके नौकरी छोड़ के उसमें काम करें ऐसा कभी हो नहीं सकता। उन्होंने मेरे को जब ये बताया तो शुरू में यकीन वाले के एक फ्रेंड थे, मुझे बड़ा भाई मानते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, ट्राई करते हैं। मरे मन से मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 12 साल से बीमार थी, डॉक्टर ने कह दिया था जब तक जिंदगी है तब तक वो बीमार रहेगी, दवाइयां खानी पड़ेगी। उन दवाइयों का साइड इफेक्ट ये था कि वो मेमोरी लॉस करने लगी थी। एक एक दिन में 12-12 टेबलेट्स खाती थी। अगर आप लोगों में से कोई मेडिकल लाइन से है तो मैं उनको बताता हूँ, 81 सितारा टिनकोडेप नाइट रेस्ट ऐसी गोली है, एक साधारण आदमी को खिला दो 24 घंटे तक सो के नहीं उठेगा। वो 12-12 गोली रोज खाती थी। पहला महीना जब ये प्रोडक्ट दिए तो कुछ खास चीज नहीं, लिटिल बिट उनकी कुछ फीलिंग्स अच्छी थी। उन्होंने खुद कहा अकीम से मुझे नुकसान कुछ नहीं हो रहा, एक महीने का और लो। एक महीने का जब दूसरा महीने का लिया प्रोडक्ट तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा। पहले वो किसी के भी सामने नहीं आती थी, अब वो सामने आने लगी, गेस्ट से मिलने लगी, बच्चों के साथ खुश खुश रहने लगी, उनके मूड में चेंज कुछ स्विंग्स आने लगे, पॉजिटिव होने लगी। और उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात यह, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। 3 महीने के बाद वो दिन आया जो मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा दिन था, जब उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन टोटल बंद कर दी। मार्च में कंप्लीटली उन्होंने अपनी एलोपैथी मेडिसिन बंद कर दी, और उस दिन से लेके आज दिन तक उन्होंने आज तक कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। वो हमारी कमजोरी थी उस टाइम पे, हर मोमेंट पे, हर टाइम पे हमें उनको रिमाइंड कराना पड़ता था आपका मेडिसिन का टाइम हो गया, आप दवाई ले लीजिए। एक दिन मैं कहीं मीटिंग में बिजी था, मैं रिमाइंड नहीं करा पाया। शाम को मैंने घर आके पूछा कि आपने मेडिसिन ले ली थी क्या, बोला मैंने दवाई नहीं ली और पिछले 3 दिन से मैं नहीं ले रही और मैं बिल्कुल ठीक। आज वो हमारी पावर है। उसके बाद इस कंपनी में यहां तक तो ठीक था, मैं काम फिर भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक इंसान को जो चाहिए वो सब कुछ था। मेरे पास ऑफिशियल ड्राइवर था, कार थी, अर्दली था, पीए था, सब कुछ था वो जो एक इंसान को चाहिए, रुतबा था। अगर मैं पैसा कमाना चाहूं तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन नहीं, मैं एक ईमानदारी का पैसा चाहता था। हालांकि ईमानदारी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस का काम किया कि मैं एक पार्ट टाइम इनकम बना दूं और अपने बच्चों को बेहतर लाइफ दे सकूं। सैटरडे संडे को जब मेरे पास टाइम होता था मैं इंश्योरेंस करता था। 5 साल तक मैंने इंश्योरेंस किया अलोंग विद माय जॉब, लेकिन लोग मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट की हैसियत से समझने लगे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, किसी ने कहा अच्छा पैसा है, मेरे खुद मामा के लड़के कमिश्नर थे उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। रेड लाइन बसें उस टाइम चली थी दिल्ली में, उन्होंने कहा बस डाल दो अच्छी इनकम आती है, बस डाल दी, बस नुकसान होने लगा, एक से दूसरी डाल दी और नुकसान बढ़ने लगा। 5 साल काम करने के बाद जितने सिर पे बाल थे उतना मेरे ऊपर कर्ज था। कसम खाली आप देखो, जिंदगी में दोबारा कभी बिजनेस नहीं करूंगा। हालत एक दिन ये आई कि कर्जदार मेरे पीछे पीछे और मैं आगे आगे, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने दिल्ली छोड़ के रोहतक जाना पड़ा मुझे अपने बच्चों को लेके, और मेरी भी वाइफ को डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही था। भगवान वो दिन किसी को ना दे, मैं जब उसको याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात है जब मेरे पास दिल्ली आने के लिए किराया नहीं था, मुझे ट्रक में बैठ के आना पड़ा, और ये जिंदगी का मेरी का टर्निंग पॉइंट था कि आज के बाद मैं कभी जिंदगी में कर्ज नहीं लूंगा, अब मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मैं कर्ज मुक्त हो सकूं।
इन बिटवीन मिसेस को ये प्रोडक्ट दे रहे थे, मेरे साथी ने मुझे शेयर किया कि ये अच्छी कंपनी है, एक बार इसमें से आप गो थ्रू हो जाओ, इसका सारा रिपोर्ट चेक करो, इसकी सारी रजिस्ट्रेशन चेक करो, इसकी थ्रोली पुलिस के अकॉर्डिंग आप इसकी सारी इंक्वायरी करो, अगर ये अच्छी हो तो अपन काम करते हैं। या बहुत सारे लोग आते हैं, आए दिन प्रश्न उठाते हैं कंपनी पे, बहुत सारे डाउट्स मन में लेके आते हैं, मेरे से ज्यादा डाउट, मेरे से ज्यादा इंक्वायरी आज तक किसी ने नहीं की इस कंपनी के खिलाफ। और वो इंक्वायरी ऐसी की, एक दिन मैं इसी का होके रह गया, जॉब छोड़ दिया और मैं इसी में रहता हूं आज। आज अगर मैं जॉब में होता तो 1,06,000 रुपए मेरी मिनिमम सैलरी होती, मेरे पास सारी सब वो सुविधाएं होती, लेकिन मैंने 2007 में बीआरएस लेके हमेशा के लिए जॉब छोड़ दिया, क्योंकि 2003 में मैंने काम करने का डिसीजन लिया, लेकिन काम करने के डिसीजन के साथ ही मेरे साथ एक चैलेंज था कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को, कहते सर मेरे पास टाइम नहीं, तो मेरे से बिजी कौन था। कुछ लोग कहते सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहता तेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो 22 लाख कर्ज में था, तो जमीन पे तो है, मैं तो जमीन से नीचे था। आप लोगों में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कहते होंगे जी मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूं, मेरे से गरीब कौन था, 22 लाख रुपए कर्ज में था मैं। आज नहीं, 2002 में हर 3 महीने बाद 1 लाख रुपए ऐड हो जाता था इंटरेस्ट का उसमें। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दे। 2003 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ मुझे कर्ज मुक्त होना है, मैंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया, कर्ज मुक्त होना है। यहां पे करोड़पति अरबपति बनने की कोई बात नहीं थी, क्या होगा भगवान देखेगा, लेकिन एक बात जरूर थी, जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि 2003 में वो लोग लाखों रुपए कमा रहे थे, मिस्टर प्रेम राजन, सुनील गुप्ता, मेजर भटनागर, थैंक यू सो मच टू माई ग्रेट अपलाइंस, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये पैसा चाहिए, बताइए क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि आज तक हम आपको सर कहते थे, आज के बाद हम आपके सर हैं, अपनी वर्दी को घर छोड़ के आना, आप पुलिस को एफएलपी को साथ में मत जोड़ना, वो नॉलेज यहां पे काम नहीं करेगा, एफएलपी का नॉलेज लेना पड़ेगा आपको। मैंने 1.5 महीने का ईएल लिया और ट्रेनिंग शुरू कर दिया लगातार, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी मिसिंग, मैं ट्रेनिंग का एक पार्ट होता था, किसी को नहीं मैंने बताया कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं, और मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह से रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करता था। 1.5 महीने बाद फिर 1.5 महीने का एक्सटेंड करवाया, फिर 1.5 महीने का एक्सटेंड करवाया, फिर 2 महीने का मैंने मेडिकल दे दिया, अपनी नौकरी को हथेली पर रख दिया था मैंने। मेरे ज्वाइंट से भी मुझे कहने लगे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या। मैंने कहा सर उस दिन मैं जॉब पे वापिस आऊंगा जिस दिन एफएलपी से मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा। दिसंबर का चेक जो मुझे जनवरी में मिला, 6 महीने बाद 16 मई 2000, अभी मेरा 15 साल कंप्लीट किया मैंने एफएलपी में, इसी मई में कंपनी का जन्मदिन 13 का होता है, मेरा 16 का होता है। यस, मैंने जो 6 महीने बाद मुझे मैनेजर रिट्रीट 2004 ऑनवर्ड, हमेशा मैनेजर रिट्रीट मैंने क्वालिफाई किया। इस कंपनी ने इससे भी कहीं ज्यादा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे मेरे, एक बेटा है एक बेटी है, बेटा इंजीनियर है बेटी डॉक्टर है, दोनों यूएसए में पढ़ रहे हैं, बेटी भी डॉक्टर है और बेटा भी इंजीनियर है। इस कंपनी ने पैसा पे किया है, मैंने नहीं। क्या पॉसिबल था जॉब से, क्या मैं इस सैलरी से अपने बच्चों को पढ़ा सकता था, कभी भी नहीं। दिल्ली के पॉश इलाके में जहां पे लोग सपना देखते हैं वहां पे 5 बेडरूम सेट 5.5 करोड़ का खरीदा था मैंने। और क्या सपने हैं, बच्चों को बेटर करियर बन गया उनका, बेटर एजुकेशन हो गया, रहने को मेरे को मकान दे दिया कंपनी ने, हर साल देश विदेश की यात्राएं फ्री में देती है कंपनी मुझे। इससे भी बड़ी बात, आप लोग बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। सही महीने में मैं आज कंपनी को, एफएलपी को, इस मार्केटिंग प्लान को इस लालच के साथ नहीं करता कि मुझे करोड़ों कमाने हैं, नो। बहुत
अगर करोड़ों कमाने होते तो पुलिस भी बुरी नहीं थी। कई बार ऐसे मौके हैं, लोगों ने बॉक्स खोल दिए मेरे को, जितना चाहे ले जाओ हमें छोड़ दो, वहां पे भी मैं कमा सकता था, लेकिन नहीं, दो रोटी खानी है, कोई ऐब नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मिट्टी, अंडा, शराब, दारू, नथिंग, कोई ऐब नहीं है। बहुत ईमानदार आदमी हूं, सच्चा आदमी हूं, पहले दिन से दाल रोटी खाता हूं बस। आज एफएलपी केवल इसलिए करता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को अमीर बनाना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को गरीब बनाना चाहता हूं। मेरे देश की दो सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी और बीमारी, उनकी हेल्थ और वेल्थ। आर यू एग्री विद मी? अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है, ना नरेंद्र मोदी के पास हल है, ना ही कोविंद जी के पास हल है, ना किसी और के पास हल है। हेल्थ और वेल्थ, लोगों की डे बाई डे यहां पे हेल्थ डेटियोरेटेड होती जा रही है, खराब होती जा रही है। मैक्सिमम लोग तो मेल न्यूट्रिशन है यहां पे, बहुत सारे लोग बीपी, शुगर, अस्थमा, हम लोग दवाई नहीं बेचते, आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस तो हर किसी को चाहिए, बेटर प्रोडक्ट सबको चाहिए, न्यूट्रिशन सबको चाहिए। आर यू एग्री विद मी? हमारे देश में हवा के नाम पे जहर हम लोग ले रहे हैं, खाने के नाम पे हम जहर ले रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर आप बेटर फूड, बेटर न्यूट्रिशन अगर किसी को बताते हो, इससे बड़ा कोई दान है? हेलो, आप लोग पैसा कमाने मत आइए यहां पे, मनी विल फॉलो, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, लोगों की मदद करने के लिए आइए यहां। आप कसम खाइए, आप कसम खाइए कि मुझे इस साल कम से कम 10 घरों में चूल्हा जलने लायक बनाना है, उनको 10 लोगों की गरीबी मिटानी है। आप कसम खाइए कि मुझे 100 लोगों की गरीबी मिटानी है, मुझे उनको बिजनेस प्लान बताना है, उनको सिखाना है, उनको ट्रेन करना है, उनको अचीव करवाना है। आज थ्रू आउट इंडिया में यही काम करता हूं, मुझे क्या परवाह नहीं, लेकिन मैं इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मेरी टीम में, मेरे डाउन में अगर कोई 20वीं लाइन में भी कहता है मुझे काम करना है, आई एम देयर, मुझे उससे क्या क्या परवाह नहीं है। मेरी 10वीं 20वीं लाइन में मुझे एक आदमी कोई भी कह दे सर मुझे काम करना है और मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं वहां होता हूं, यही मेरा मिशन। और मेरी एक ही कसम है कि मैं हर उस आदमी की मदद करूं जो आदमी अपनी आर्थिक उस हालत से बाहर आना चाहता है, अपनी काबिलियत वो दिखाना चाहता है, उसकी मैं मदद करूं, और उसी के लिए मैं दिन रात काम करता हूं। बहुत सारी लाइबिलिटी पूरी हो गई है, बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, जॉब ऑफर आ रहे हैं उसको, अच्छे जॉब ऑफर आ रहे हैं, बेटी की पढ़ाई पहले से, वो डॉक्टर है, वो मकान की जरूरत नहीं। रही बात शादी की, शादी तो भगवान की कृपा है, जिस दिन वो कहेंगे हो जाएगी। आप लोग बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, और वाकई आप लोग आज इस दिन को सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि ये जिंदगी का आपकी का एक सेलिब्रेशन डे है। मुंबई में हमारा प्रॉफिट शेयर रैली हुआ था, एडम मे एंड क्लेयर कॉटन मे, नेक्स्ट डे उनका वर्कशॉप था, डॉक्टर साहब को याद होगा, शर्मिला मैम को तो जरूर याद होगा, उन्होंने बड़ी गजब की बात की थी, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। आज जब वो स्टेज पे आए, डायमंड सफायर मैनेजर है वो यूके से, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, आप लोग सब एफएलपी कर रहे हैं, अगले साल आप लोग में से मुश्किल से 10-15% लोग बचेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। ताली बजाने की बात नहीं है, ये ताली बजाने की बात नहीं है, सीरियसली समझने की बात। और हमें बुरा लगा था, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गजब की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जस्ट 2 मिनट। आप जैसा बहुत ही मोटिवेटिव एक लीडर, एक नेटवर्कर, एक किसान था, एक रेहड़ी में बहुत बढ़िया छटे हुए बीज डाल के वो चलता है और वो आगे बढ़ता है। उसके बहुत सारे ड्रीम थे, मैं एक बहुत अच्छी फसल पैदा करूंगा, फसल ले लाएगी, उससे पैसा कमाऊंगा, अपने बच्चों को पालूंगा,
और मैं आपके सपने पूरा करूंगा। और जैसे वो उस बीज की रेडी को लेके आगे निकलता है तो कुछ पक्षी आते हैं और उसके अच्छे अच्छे बीजों को उठा के भाग जाते हैं। आप लोग जिस दिन लिस्ट बना के निकलते हो FLP करेंगे, आपके अपने दोस्त मित्र आपके रिलेटिव आपको पहले दिन ही नेगेटिव कर देते, कहां चक्कर में पड़ गया, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता, कुछ नहीं रखा इन बातों में, वो आपको नेगेटिव कर देते हैं। वो आपके अच्छे अच्छे बीजों को उठा ले जाते हैं। वो किसान अभी भी बहुत एग्रेसिव है और वो उस रेडी को लेके जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बीज हैं आगे बढ़ता है तो पथरीली जमीन आती है। पथरीली जमीन का मतलब यहां पे ये है कि कुछ लोग यहां से बहुत हार्ड होते हैं जिनमें किसी भी चीज को पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल होता है। आप कितना भी समझाइए कितना भी कुछ बताइए पल्ले नहीं पड़ेगा। वहां पे भी कुछ बीज डाले लेकिन वो डेवलप नहीं हुए, वो नहीं बने पनपे क्योंकि वो पथरीले हैं, वो हार्ड है ब्रेन से। अब फिर वो आगे निकलता है और फिर वो आगे निकलता है तो उसको कुछ अच्छी जमीन मिलती है और वहां पे उसने कुछ बीजों को डाला, वो बीज वहां पे डेवलप भी हुए लेकिन कुछ कटीली झाड़ियां आती हैं, जैसे वो डेवलप हुए थोड़े से बड़े उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। ये वो लोग होंगे जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे और वहां पे जाके वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग्स है, उनका जो माहौल है, उनके जो आसपास के लोग हैं वो नेगेटिव होंगे। वो आपके क्रॉस लाइन भी हो सकते हैं, वो आपके सराउंडिंग के रहने वाले आपके मित्र भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जिसकी वजह से आपका वो जो वहां पे डेवलप होना था, जो मैनेजर बनना था, जो वहां पे सीनियर मैनेजर बनना था, वो वहीं रुक जाता है और वो FLP छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, थैंक गॉड वहां पे बहुत अच्छी जमीन मिलती है उसको, बहुत उपजाऊ एकदम फर्टाइल है। उसने वहां पे उन बीजों को बो दिया और वहां पे वो बीज उगने लगे पनपने लगे। लेकिन क्या समझते हैं वहां पे वो 100% ग्रो हो जाएंगे? नो, कुछ बीज वहां पे 60% ग्रो होंगे, कुछ बीज वहां पे 100% ग्रो होंगे क्योंकि हर व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड, वर्किंग एटीट्यूड अलग अलग होगा। तो किसान बीज बोना बंद करे या बीज बोए? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, वो किसान बीज बोए या बीज बोना बंद करे? तो आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? बीज बोएंगे या बंद करेंगे? आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपके सपनों को चुरा लेंगे, आपसे आपकी टीम को चुराएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आपका एम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आपको जाना कहां है। जब कभी आप रुके, जब आपका डेवलपमेंट ना हो रहा हो, आपके बिजनेस में एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, हर किसी के में आता है, तो क्या करेंगे? कंपनी खराब है, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे या मार्केटिंग प्लान खराब है, कौन सी चीज है? याद रखना आपको वो सिचुएशन पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि आपका जो स्किल है वो वहीं तक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अब आपको स्किल अपना एडवांस सीखना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करना है। अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हो तो आप अगले स्टेज पे पहुंच जाते हो। आप लोगों में से लखपति करोड़पति कितने लोग बनना चाहते हैं? सभी ना, लेकिन बनेंगे वही जो डिजर्व करेंगे। चाहत में और डिजर्व में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखना मेरी बात को।
बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो 6 महीने में पता नहीं आसमान तोड़ दूंगा, तूफान तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अगर इनकम नहीं आती तो फिर वो कंपनी को लेटर लिखते हैं, मैनेजमेंट को लेटर लिखते हैं। आज मुझे इस कंपनी को करते हुए 15 साल से ऊपर हो गए, मैंने आज नहीं सिंगल कंप्लेंट एपीपी को नहीं भेजी, एपीपी मैनेजमेंट यही पे सिंगल कंप्लेंट आज तक मैंने नहीं भेजी, नेवर। मैं सोल्यूशन चाहता हूं और मैं खुद निकालूंगा। कंपनी अपने बिहार पे बेस कर रही है, मुझे कंपनी में इतना भरोसा है जितना भगवान है। मैं हमेशा कहता हूं मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, आपने देखा है क्या? मैंने नहीं देखा कभी, लेकिन एपीपी को मैंने 15 साल से देखा है, 15 साल से मैं इस कंपनी में हूं। इतनी एथिकल अल्टीमेट प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हर किसी की जरूरत के प्रोडक्ट, रेगुलर इनोवेशन है आपकी कंपनी में, रेगुलर नए प्रोडक्ट इनोवेट करती है। उस व्यक्ति की सोच, जिस व्यक्ति ने ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया है, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट दिया है, मुझे डाउट मत करिए। अगर आपके घर में डाउट होगा तो बिलीफ आपके घर में नहीं आएगा। दोनों में से एक चीज रहती है, आइदर डाउट आइदर बिलीफ। कौन सा आपके पास? अगर आपके पास बिलीफ है तो पीछे क्यों है फिर आप? बोलिए, खुद पे यकीन करिए, अपनी कंपनी पे यकीन करिए, अपने प्रोडक्ट्स पे यकीन करिए, क्योंकि यकीन है। एक छोटी सी दुकान पे तो हम 5-7 लाख रुपए लगा के उसको खोल लेते हैं, लेकिन एफएलपी की बात आती तो हमें सब कुछ फ्री में चाहिए, राइट ना? चाहिए ना सब कुछ फ्री में? पान की दुकान करने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए, लेकिन एफएलपी करने की बात आती है वहां पर सब कुछ फ्री में चाहिए। फ्री में कुछ होता है क्या? फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में आपके घर में खाना भी नहीं मिलता, वहां पे भी आप कमा के लेके जाते हैं तभी रोटी बनती है। यू हैव टू पे फॉर योर सक्सेस। टाइम आपको लगाना पड़ेगा, कुछ आप लोगों को त्याग करने पड़ेंगे, अपने सारे वो शौक हैं जो आप में, वो आप लोग छोड़िए, अपने लोगों के लिए काम करिए। और मुझे पूरा यकीन है हमारे नए कंट्री मैनेजर साहब आए, कैसे लगे आप लोगों को? मुझे आवाज नहीं आ रही पक्का? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम नॉर्थ इंडियन लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं ना, कितनी अच्छी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं हमारे कंट्री मैनेजर साहब, है ना? ये हमारे लिए प्राउड की बात है। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी भाषा में होना चाहिए, राइट ना? मैं अगर अपनी बात आप तक कहूंगा तो आपकी मेरी भाषा एक ही तो होगी। मैं कुछ भी ककड़ पकड़ बोल के चला जाऊं और आपके पल्ले नहीं पड़े तो क्या फायदा उस चीज का? तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत ही सपोर्टिव है इनका बिहेव। डेलस में इनके साथ कई दिन रहने का मौका मिला, वाओ ऑसम, बहुत सपोर्टिव है। अब कंट्री मैनेजर साहब का सपना है 1000 करोड़, राइट ना? हेलो, हमारे लिए तो पीनट है 1000 करोड़, राइट ना? 1000 करोड़ तो हम ऐसे कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हम सब साथ है ना? तो मैं आप लोगों के बिहाफ पे सर को मैं ये मैसेज दे दूं, कमिटमेंट कर दूं सर, 1000 करोड़ बहुत जल्दी हम आपको करके दे। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, कंपनी अपने लेवल पे जो बेस्ट कर रही है उसमें थोड़ा सा और एफर्ट करे, क्योंकि प्रोडक्ट की हमारे को जो कमी है उनको जल्दी से पूरा करे, ताकि तभी तो 1000 करोड़ करेंगे। और 1000 करोड़ नहीं, हमें 5000 करोड़ पे जाना है, राइट ना? 1000 करोड़ हमारा कोई यहाँ पे सीलिंग नहीं है, हमें वर्ल्ड का नंबर वन बनना है। मुझे अगला वो सफर देखना है जब यहाँ पे बैठे सारे मिलेनियर होंगे बिहार में, और आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे यकीन है आप लोग वो मजबूत किसान हैं जो हारेंगे नहीं। आप लोग नेगेटिव लोगों से, सो कॉल्ड सेट वर्किंग कंपनियों से, मार्केट में मात्र कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लिटिल बिट कहीं पर रजिस्टर्ड है, अदरवाइज 95% कंपनियां फेक कंपनियां हैं, 95% कंपनियां फेक हैं। अपनी भविष्य को बचाइए,
अपनी इज्जत को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए, अपने रिलेशन को बचाइए। आपकी कंपनी से बेहतर कंपनी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। किसी भी एंगल से जाइए, किसी भी एंगल से चेक कर लीजिए। तो हमें इस बारे में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें केवल और केवल काम करना है, रोजाना नए लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। ये बिजनेस केवल शेयरिंग का है। डोंट ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट, जस्ट शेयर दिस प्रोडक्ट। अगर आप सेल करेंगे तो लोग पूछेंगे आपसे क्या आप डॉक्टर हैं, क्या ये दवाई है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। डोंट ट्राई टू सेल, जस्ट शेयर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि शेयरिंग में जो पावर है वो सेल में नहीं है। मैं आपके शब्दों को विराम देता हूं क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है। दोस्तों आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं बहुत आभारी हूं और बहुत खुश हूं। आज दिल से बेहद खुश हूं क्योंकि बिहार में मैंने और डॉक्टर अनुज ने जो यहां पे बीज बोया था, आज वो बहुत बड़ा पौधा बन गया है और आप लोगों के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा था आज 600 सुपरवाइजर रिकग्नाइज होने थे, 149 असिस्टेंट मैनेजर, 49 मैनेजर। आई वाज सरप्राइज, ये हो क्या रहा है। एक वक्त ऐसा होता था जब पूरे इंडिया में भी इतने रिकग्नाइज नहीं होते थे, आज अकेले बिहार से और मात्र कुछ दिन में, और ऐसे सक्सेस रेट हमारे इंडिया में बहुत जगह होते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आर एस सिंगला साहब फ्लाइट में रहा करेंगे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, सब जगह सक्सेस डे होते रहा। और वो फिर सक्सेस डे ये भी कहेंगे मेरे बस की बात नहीं, अब आप ही किया करेंगे सक्सेस, और फिर आप लोग किया करेंगे उनको रिकॉग्नाइज, राइट ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा, दिल से धन्यवाद करूंगा, जो आप लोग बहुत दूर दूर से भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। सुबह निकले होंगे आप लोग, लंबा लंबा सफर तय करके आए होंगे, और आप लोग वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स इसके बाद में धन्यवाद दूंगा हमारे नेट का, जो बिहार नेट है, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत यहाँ पे पसीना बहाया है, बहुत सारे नए उन्होंने ट्रेनर्स भी बनाए हैं, और वाकई ये प्रोसेस हमेशा बना रहना चाहिए। इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा हमारी मैनेजमेंट का, थ्रू आउट हमारी इंडिया की जो मैनेजमेंट है, एक एक हीरा चुन के यहाँ पे लाए हैं वो लोग, किसी में कोई कमी हो मैंने कभी नहीं देखा। वो हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं, हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, आप कभी भी उनसे बात करें। हमारी मैनेजमेंट वाकई बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं एक ऑफिसर रहा हूँ, सरकारी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, आप लोग उन चीज़ों को झेलते भी होंगे, अपने कहीं पर कोई काम करवाने जाते होंगे तब आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और FNP का व्यवहार आप लोगों ने देखा होगा, कितने सपोर्टिव होते होंगे। थैंक यू सो मच, स्पेशली निकिता मैम के लिए, शर्मिला मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों के लिए, और ऑफकोर्स हमारे जो पूर्व कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर अमरजीत दुबे, क्योंकि यहाँ तक के सफर के लिए वही बहुत उन्होंने मेहनत की है, हम सब लोग उनका धन्यवाद करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे नए कंट्री मैनेजर का, हम वेलकम भी धन्यवाद भी करते, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है, हर उस आदमी के साथ हूं मैं जो आगे बढ़ना चाहता है। इस पर बहुत कहना है, और कोर्स में धन्यवाद करूंगा, आप लोग जानते हैं जो मसीहा है, जिसको देखा नहीं भगवान को नहीं देखा, लेकिन उस भगवान को जरूर देखा है मैंने बहुत बार, उनके साथ कई बार डिनर लंच करने का भी मौका मिला है, मिस्टर रेक्स मॉन, सभी जोरदार तालियों के साथ, और उनके अच्छे हेल्थ के लिए हम लोग कामनाएं करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।